नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। हर लड़की शादी के सपने देखती है और सोचती है एक दिन उसकी भी शादी होगी। फिर वो दिन लड़की के जीवन में आता है तो वो अपनी शादी को लेकर खूब उत्साहित होती है, लेकिन क्या हो अगर ऐन मौके पर ये सपना टूट जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक मामला यूपी के बदायूं से सामने आया, जहाँ एक लड़की अपने दूल्हे और बारात का इंतजार करते करते थक कर सो गए, लेकिन बारात नहीं आई। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के सिद्धपुर कैथोली गांव में दुल्हन सज धज कर दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। वहीं सुबह होने पर दुल्हन के परिवार ने बिसौली कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि यहां के रहने वाले धनपाल ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के राजस्थल से तय की थी। बीते 9 जुलाई को बारात आनी थी और पीड़ित धनपाल ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। संबंधी और रिश्तेदार भी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं जब शाम हुई तो दुल्हन सज धज कर दूल्हे का इंतजार करने लगी, लेकिन इंतजार करते करते रात 12 बज गए, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। वहीं दूल्हे ने बारात चढ़ाने के लिए दुल्हन के घर घोड़ा बग्गी और बैंड बाजे भेज दिए, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। दुल्हन का पूरा परिवार पूरी रात दूल्हे की बारात का इंतजार करता रहा और रात में ही पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस रात में मौके पर पहुंची। दुल्हन के पिता ने बताया कि दूल्हे के परिजनों ने शादी में 8 लाख खर्च करने का तय किया था, लेकिन कल बारात आने के समय 4 लाख रुपए की और डिमांड करने लगे। जब दुल्हन के पिता ने 4 लाख रुपए देने से असमर्थता जताई तो दूल्हा दुल्हन के घर बारात लेकर नहीं पहुंचा। सुनिए। मेरा नाम धनपाल, सिद्धपुर कैथोली का रहने वाला हूं। मैंने लड़की की शादी इस्लाम नगर थाना ग्राम राजस्थल में तय की। वो कल 9 तारीख में बारात आनी थी, वो मेरे पास बारात लेकर नहीं आए। सब कुछ मामला मैंने तैयार कर लिया, जो दावत में की रिश्तेदार आए और बारात को जो इंतजाम करना था वो सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरे पास बारात लेकर नहीं आए। मना क्या हुआ? मना ही कर दो, मुझसे 8 लाख रुपया तक खर्चा होगा, उसके बाद भी जो बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपए और दोगे तो बारात लाएंगे, वरना हम बारात ना लाएंगे। तो आपने बारात की तैयारी कर ली थी कल? फुल तैयारी साहब, मेरे पास 500 आदमी की तैयारी। वे तो यही कह रहे हैं, मैंने 100-200 आदमी ले आना कि नहीं, 500 आदमी से कम नहीं आएंगे हमारे। अचानक चेंज करिए। हाँ, अचानक चेंज करिए। और ये भी बोलते रहे कि अभी आए, अभी बताते हैं 10 मिनट में या 15 मिनट में। साफ बात मुझे ना बताई, रात के 12 बजे तक नहीं आए बारात। बाजे आ गए, बुग्गी आई गई, बारात नहीं लाए। हम बिसौली आए हैं, तो थाने में कोतवाली में शिकायत करनी। मेरा नाम है अवधेश, सिद्धपुर कैथोली ग्राम प्रधान। ये मामला ये हुआ कि शादी को सब कुछ तय कर दिया, कल बारात लेकर नहीं आए। राजस्थल में शादी तय करी लड़की की, सारा लेन देन हो गया, 8 लाख रुपए उसको दे दिया और दहेज के हिसाब से, और सभी फाइनल हो गया। फिर भी उसने बाजे भेज दिए, लेकिन वो बारात लेकर नहीं आए। कब आनी थी बारात? बारात कल आनी थी, 9 तारीख में। आज आप कहाँ आए? आज हम मतलब बिसौली कोतवाली के हैं, शिकायत करने आए हैं। लड़की है धनपाल सिंह की। दुल्हन करती रही इंतजार, लेकिन दूल्हा नहीं पहुंचा बारात लेकर। जी हां साथियों, ऐसा ही मामला संज्ञान में आया है। बिसौली कोतवाली के अंदर गांव पड़ता है सिद्धपुर कैथोली। यहां सिद्धपुर कैथोली में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसने अपनी बेटी की शादी इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव राजस्थल में तय की थी। यहां 9 जुलाई के लिए यानी कल बारात आनी थी, और बारात आने लेकर के जो पीड़ित था उसने सारी तैयारियां जो थी वो अपने मकान पर बारात के स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर दी थी, लेकिन ऐसी क्या समस्या रही जो दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। इंतजार करते रहे, शाम हुई, शाम से रात हुई, रात के 12 बजे जब 112 नंबर के लिए कॉल लगाई जाती है तो वहां पुलिस पहुंचती है और मामले की छानबीन शुरू करती है। जी हां साथियों, धनपाल सिंह नामक युवक ने जो अपनी शादी, बेटी की शादी राजस्थल के गांव में तय की थी, 9 तारीख के लिए यहां बारात कल आनी थी, लेकिन दहेज की मांग उनके बताए हुए मुताबिक उन्होंने 8 लाख रुपए की रकम वहां
शादी के तरीके से पहुंचा दी, लगन टीका जो भी होता है, लेकिन 4 लाख रुपए की और डिमांड की जा रही थी, जिससे क्षुब्ध होकर नाराज होकर दूल्हा दुल्हन के यहाँ बारात लेकर नहीं पहुंचा। साथियों, यहाँ पर बड़ी गंभीर विषय है, बड़ा ही गंभीर समस्या है कि एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए क्या क्या नहीं करता है। सारी समस्याओं से जूझ करके वो अपनी बिटिया की शादी में बहुत कुछ तैयारियां करता है, लेकिन यहाँ पर इस समाज के खोखले रिवाज ने इस पर भी एक पर्दा डाल दिया है। जिस तरीके से वहाँ परिवारगढ़, रिश्तेदारगढ़ जो भी पहुँचे थे, वहाँ लोग इंतजार कर रहे थे बारात का, लेकिन बारात वहाँ नहीं पहुँची थी। पीड़ित ने आज बिसौली कोतवाली पहुँच करके एक प्रार्थना पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। देखने वाली बात यह है साथियों, यहाँ पर सरकार तरह तरह से नए नए तरीके से नारी सुरक्षा या लड़कियों के लिए जो भी है वो काफ़ी स्तर से उनकी समस्याओं पर गौर दे रही है, लेकिन यहाँ एक जो समाज की कुप्रथा है, दहेज प्रथा, जिसने एक परिवार को कहाँ तक झकझोर कर रख दिया है, देखना है कितनी कार्रवाई हो पाती है, कहाँ तक कार्रवाई पहुँच पाती है। यहाँ हल्दी चंदन लगी हुई लड़की बिटिया अपने पिता के घर बैठी है और दूल्हे का इंतजार कर रही है, लेकिन दूल्हा नहीं पहुँच पाता है। वहाँ किसी न किसी ऐसी समस्या आ गई कि वहाँ वो दूल्हा नहीं, बारात जो थी बारात नहीं पहुँच पाई। दूल्हा पक्ष ने वहाँ सारी अपनी तरफ से घोड़ा बग्गी जो भी शादी में जाता है वहाँ पहुँचवा दिया, लेकिन खुद स्वयं बारात लेकर नहीं पहुँचा। तो आज पीड़ित पक्ष ने बिसौली कोतवाली के अंदर पहुंचकर और शिकायती पत्र दिया है, वहां पर जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनके लिए अवगत कराया है कि जो लड़का पक्ष है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन सोनू के साथ प्रताप ठाकुर, सी न्यूज़ भारत, बदायूं। जाहिर है हमारे समाज में विवाह और शादी एक व्यापार बनकर रह गया है, जिसके चलते कई गरीब परिवार की बेटियां बिन ब्याही रह जाती हैं। और अगर कोई गरीब पिता किसी तरह अपनी बेटी की शादी करता है तो वो आगे चलकर ससुराली जन दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगते हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।